हेलो दोस्तों, आप सब ने कभी अपनी लाइफ में कोई एग्ज़ाम ज़रूर दिया होगा, या फिर जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन देखकर बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आज मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा, और जब भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको इस प्रकार की इक्वेशन आती है 2/3/2, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को इधर ऊपर लेकर चले जाते हैं, यानी कि ये जो 2 है वो ऊपर चला जाता है, इसकी पोजीशन यहाँ आ जाती है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाती है, 2/2/3। तो आंसर क्या होना था इसका, 4/3। इसी प्रकार हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये इक्वेशन सॉल्व होगी नीचे से ऊपर की ओर। जैसे 4 की मल्टीप्लाई हम लोग 2 से करेंगे तो होगा 4 × 2 = 8 + 1 = 9। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 9/4। ठीक है, उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर एक क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1/ इसको उतार लेंगे। ठीक है, तब ये इक्वेशन ऐसी नहीं लग रही आपको जैसे मैंने बनाई थी, ये देखो, ये सेम वैसी। तो हमें क्या करना है, 4 इसको ऊपर चला जाएगा। जब 4 ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, 3+1/4/9। अभी क्या करेंगे, ये इक्वेशन बन रही है 3+4/9। ठीक है, इस प्रकार से बन रही है। ये जो 3 है ये थोड़ा साइड में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए, अभी इस क्वेश्चन बन रही है 3+4/9, तो इसके ऊपर भी तो कोई इक्वेशन होगी ना। जैसे यहाँ पर हम लोग सॉल्व पहुँच गए, इसके ऊपर क्या है, 1+1 है। तो हम क्या करेंगे, 1+1 लिख लेंगे यहाँ पे। अब फिर ये क्वेश्चन सेम वैसी बन रही है, हम क्या करेंगे, 9 को ऊपर लेके चले जाएंगे। नहीं, 9 को ऊपर लेके नहीं जाएंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 3 = 27 और 4 = 31। तो क्या बन जाएगा, 31/9। फिर ऐसी इक्वेशन को उतारेंगे 1, ये अब 9 ऊपर चला जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 1+9/31। अब ऐसे करेंगे, 31 बन जा, 31 और 9 40, इक्वेशन बन रही है 40/31। और इसके ऊपर क्या था, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है 5, इसके ऊपर क्या है, -5, और यहाँ पे क्या है, 4। इस प्रकार की इक्वेशन है। अब फिर वैसी इक्वेशन बन गई, तो हम क्या करेंगे 5 × ये 31 ऊपर चला जाएगा, 31/ नीचे क्या है, 40, तो यहाँ पे -4। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 155/40। तो 160 में से 155 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/40। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 5 × 5 = 40। हमारा आंसर है 1/8। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये लेंथी मेथड है। शॉर्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, लेकिन आपको फुल कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसका कुछ नहीं है, इससे डरने की कोई बात नहीं है इस क्वेश्चन से, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है कि जैसे 2/3/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/2/3 हो जाता है, = 4/3 आता है। सेम इक्वेशन यही बन रही है। देखिए, सबसे पहले 4 × 2 = हमने 8 किया, प्लस 1 तो हो गया 9/4। ये हमारा 9/4 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों, 9/4 है तो इक्वेशन आगे देखिए, 1/3 + 1/9/4 बनना था। तो हमने क्या किया, इसको जैसे ये इक्वेशन बन रही थी 3+1 हमारा 9/4 आ रहा था, तो हमने इसको इक्वेशन को क्या किया, 4 को ऊपर लेके चले गए। जब हम 4 को ऊपर लेके चले गए तो 3/ ये आ जाएगा 4/9, 9 × 27 और 4 = 31। कोई इक्वेशन क्या बन रही थी, 31/9 बन रही थी। फिर वैसे ही हमने 1+1 ये इक्वेशन बची थी, 1+1 तो 9 ऊपर चला गया, तो
1 + 9 / 31, 31 + 9 = 40, 40 / 31, इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हैं।